बॉलीवुड की फैशन दीवा सोनम कपूर की शादी की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ 8 मई को मुंबई में शादी के बंधन में बंधने जा रही है। हालांकि परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन सोनम कपूर के शादी के लिए रिश्तेदारों का जुटना शुरू हो चुका है। और तो और शादी की रस्में शुरू होने से पहले अनिल कपूर का बंगलो भी सजकर तैयार हो चुका है। ये सब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शादी को लेकर कपूर परिवार में काफी एक्साइटमेंट है। खबरों की माने तो सोनम कपूर की मेहंदी, संगीत, हल्दी और शादी से लेकर सब तैयारियां खूब जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि सोनम की संगीत सेरेमनी में फिल्म मेकर करण जौहर प्रेम रतन धन पायो गाने पर परफॉर्म भी करने वाले हैं। इसके अलावा दुल्हन सोनम के पापा मम्मी अनिल और सुनीता कपूर अपनी बिटिया की संगीत सेरेमनी में स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे। तो वही अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह सुपरहिट गाने माई नेम इज लखन पर डांस परफॉर्मेंस देंगे। सोनम की कजिन सिस्टर जाह्नवी कपूर अपनी माँ श्रीदेवी के दो गाने किसी के हाथ ना आएगी लड़की और मेरे हाथों में 9 चूड़ियों पर परफॉर्म करने वाली है। फराह खान डांस कोरियोग्राफ करेंगी। वही शादी के लिए गेस्ट लिस्ट भी रेडी है, लेकिन सोनम कपूर ने इको फ्रेंडली रास्ता चुनते हुए मेहमानों को ई कार्ड भेजने का फैसला लिया है। ई कार्ड पर सुरक्षा के लिहाज से मेहमान का नाम वाटरमार्क होगा और वेन्यू पर ई कार्ड दिखाना होगा। हालांकि सोनम और आनंद अपनी शादी के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी शादी से जुड़ी एक एक डिटेल सुर्खियों में है। आनंद आहूजा एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है और भारत की पहली मल्टी ब्रांड स्नीकर कंपनी की स्थापना करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। लिहाजा फैंस को इंतजार है 8 मई का, जब सोनम कपूर दुल्हन के जोड़े में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगी।